जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आर्मी खरीदेगी 5000 मशीन पिस्टल्स। टाटा के पार्टनरशिप के साथ लॉकहीड मार्टिन MMRCA के तहत अपने F-21 को लेकर कॉन्फिडेंट। BEL और YIL संयुक्त रूप से मिलकर एम्यूनिशन हार्डवेयर और मिलिट्री ग्रेड के कॉम्पोनेंट्स पर करेंगे काम। पाकिस्तान ने भारत से मांगे न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स। बाबा कल्याणी की 155 mm वाली आर्टिलरी की एक्सपोर्ट ऑर्डर के पीछे डिफेंस एक्सपो का हाथ। इंडियन आर्मी करीब 7000 बॉडी वॉन कैमरा सिस्टम, करीब 1612 बैलिस्टिक शील्ड और करीब 5000 9x19 mm की मशीन पिस्टल को खरीदने की योजना बना रही है और इन तीनों अलग अलग खरीद के लिए आर्मी की तरफ से AON यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को भी जारी किया गया है और जिसके मुताबिक ये तीनों खरीद फास्ट ट्रैक प्रोसेस के माध्यम से बाय इंडियन कैटेगरी के तहत ही की जाएगी। AON के मुताबिक इंडियन आर्मी जिस तरह की मशीन पिस्टल को खरीदना चाहती है तो उसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज कम से कम 100 मीटर तक तो होनी चाहिए और इसमें सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक इस तरह के अलग अलग फायरिंग मोड्स भी होने चाहिए। बाकी इसका वजन मैगजीन के बिना 2.5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और एक्सटेंडेड कंडीशन में पिस्टल की ओवरऑल लेंथ 650 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जबकि फोल्डेड और रिट्रैक्टेबल बट के साथ इसकी ओवरऑल लेंथ 500 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी मैगजीन कैपेसिटी 30 राउंड से कम की नहीं होनी चाहिए और ये पिस्टल कम से कम 1 मिनट में 600 राउंड्स को फायर करने में सक्षम होनी चाहिए। और बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मशीन पिस्टल उस वेपन को कहा जाता है जो कि ऑटोमेटिक और बस्ट मोड में पिस्टल के एम्यूनेशन को फायर कर सकता है। हालांकि जो मॉडर्न मशीन पिस्टल्स हैं तो वो सेमी ऑटोमेटिक मोड में भी फायर करने में सक्षम होती हैं और मशीन पिस्टल कुछ ऐसा हुआ कि आप एक कॉम्पैक्ट सब मशीन गन और मशीन पिस्टल के बीच आसानी से डिफरेंस भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि मशीन पिस्टल्स को सब मशीन गन फैमिली के एक सबसेट की तरह कंसीडर किया जाता है और वैसे आपको ध्यान होगा कि इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसोद ने भी DRDO के साथ मिलकर एक ऐसी खास ASMI नाम की मशीन पिस्टल को विकसित भी किया है और जिसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे कि आर्मी को चाहिए भी। बाकी इसके अलावा इंडियन आर्मी जो 1612 बैलिस्टिक शील्ड्स को भी खरीदना चाहती है ये NIG लेवल 4 और BIS 6 लेवल की होंगी और ये 10 मीटर की दूरी से फायर की गई 7.62x39 mm की हार्ड स्टील कोर बुलेट्स को भी रोकने में सक्षम होगी। और इन सबके अलावा जो आर्मी 7000 बॉडी वॉन कैमरा सिस्टम्स को भी लेना चाह रही है तो ये कैमरास 1920x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आएंगे। बाकी नाम से मालूम पड़ रहा है कि ये ऐसा कैमरा सिस्टम है जिसे हमारे सोल्जर्स अपनी यूनिफॉर्म पर पहन सकेंगे और ये आमतौर पर चेस्ट पर ही लगाए जाते हैं और इन्हें हमारे सोल्जर्स तब पहनते हैं जब वे किसी इंसिडेंट या किसी ऑपरेशन साइट पर हों और वहां से इसकी मदद से रियल टाइम वीडियो और इमेज कैप्चर करने में मदद मिलती है। तो जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA के सीनियर ऑफिशियल ने भारत के एक्सीडेंटल मिसाइल फायरिंग वाले इंसिडेंट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि वे इस घटना को विशेष चिंता के किसी भी कारण के रूप में नहीं देखते हैं और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना किसी भी तरह से भारत में न्यूक्लियर वेपन्स या उनके सामग्री की सुरक्षा पर सवाल भी नहीं उठाती। तो अब इन्हीं रिपोर्ट्स पर पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस का ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट है तो ये भारत को गैर जिम्मेदाराना आरोप से मुक्त करने का एक अपमानजनक प्रयास है। और फिर पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो इंसिडेंट है तो ये भारत के न्यूक्लियर स्टेट पर कई तरह के सवाल उठाता है और जिसमें एक सवाल ये भी है कि ये क्या वाकई में कोई एक्सीडेंट था या नहीं। और पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस के प्रवक्ता का ये भी कहना है कि भारत को उनके मिसाइल सिस्टम के टेक्निकल फीचर्स, उनकी रिलायबिलिटी, भारत के न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल प्रोटोकॉल्स क्या हैं और इंडियन मिलिट्री में कौन कौन से रोग एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उन सभी के सवालों के जवाब भी देने की जरूरत है। और इस मिसाइल फायरिंग वाले इंसिडेंट पर IAEA के DG ने जो भी जवाब दिया है तो पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस के मुताबिक उनके इस जवाब को मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। मतलब कमाल की बात यह कि यहाँ पे ये चीज कर कौन रहा है क्योंकि एक्चुअल में रिपोर्ट तो वही है जो IAEA के DG ने कही है। अब यहाँ पे इसको कोई मैनिपुलेट करने वाली बात तो है नहीं। अब बाकी तो अब इस पर और क्या ही कहें, आपको कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है। लेकिन ये वाली बात पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस ने बड़ी कमाल की गई कि ये एक्चुअल में एक्सीडेंट था भी या नहीं। वैसे एक्सीडेंट ही था, सच में हम कह रहे हैं एक्सीडेंट ही था। बाकी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप हमें एक बार फिर से डेमोंस्ट्रेट करके दिखाएं कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। नवरत्न डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL और यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL तो इन दोनों के बीच एक MOU साइंड हुआ है और इस MOU के तहत ये दोनों मिलकर एम्यूनिशन हार्डवेयर और मिलिट्री ग्रेड कंपोनेंट्स के क्षेत्र में इंडियन डिफेंस और एक्सपोर्ट मार्केट्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे और इसमें आर्म्स, एम्यूनिशंस और इससे ही संबंधित बाकी के सिस्टम्स के प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग और टेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है, इसमें jens.com की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक US फर्म लॉकहीड मार्टिन भारत के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम MRFA या फिर MMRCA 2.0 कुछ भी आप कह सकते हैं
तो इस प्रोग्राम के हिस्से के रूप में इंडियन एयरफोर्स के लिए अपने F-21 फाइटर जेट वाले प्रस्ताव को सपोर्ट करने के लिए अब भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का इस्तेमाल करेगी। और जबकि लॉकहीड मार्टिन के भारत में ऑलरेडी दो जॉइंट वेंचर्स हैं, जिसमें से तो एक है TLMAL यानी कि टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड और दूसरी है TSAL यानी कि टाटा सिकोर्सकी एरोस्पेस लिमिटेड। और वैसे लॉकहीड मार्टिन के ऑफिशियल्स यही मानते हैं कि उनकी कंपनी द्वारा भारत में जो एरोस्पेस इकोसिस्टम को विकसित किया गया है तो उसने इस MRFA प्रोग्राम में उनके F-21 फाइटर की पोजीशन को मजबूत किया है। हालांकि वो बात अलग है कि चांसेस अभी भी कम ही है कि शायद ही इस F-21 को चुना जाए। इंडियन आर्मी LAC के पास बड़ी संख्या में कुछ ऐसे तालाबों को बना रही है जो कि लद्दाख के जमा देने वाले ठंड में भी हमारे ट्रूप्स को फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करेगा। और आर्मी ऑफिशियल के मुताबिक दौलतबाग ओल्डी जैसी फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात आर्मी ट्रूप्स इन तालाबों का इस्तेमाल एक फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर के लिए कर सकेंगे। और बाकी आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं वो यहाँ पे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, तो उनके लिए भी कुछ खास तरह के हैबिटेट्स को बना रही है ताकि एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में भी ऑपरेट होते रहें। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल शुक्रवार से नो मनी फॉर टेरर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन की शुरुआत होने वाली है और इस इंटरनेशनल इवेंट को लेकर भारत की तरफ से बताया गया है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चीन की तरफ से अभी कंफर्मेशन आना बाकी है, और जबकि इस इवेंट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसमें टोटल 78 कंट्रीज और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें 20 अलग अलग देशों से मिनिस्टर्स भी इंक्लूड हैं, और उन सभी ने इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस के लिए अपने पार्टिसिपेशन को कंफर्म कर दिया है और ये कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित होने वाली है। और इस कॉन्फ्रेंस को लेकर NIA के DG की तरफ से बताया गया है कि ये टेरर फाइनेंसिंग और एक्टिविटीज को रोकने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है और इसे पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना को इन्वाइट किया गया है, लेकिन उसका अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है। तो जैसे कि कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने अपनी 155 mm की आर्टिलरी गन का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव किया था, तो अभी हाल ही में News9 के साथ एक इंटरव्यू में बाबा कल्याणी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का ये कहना है कि इस साल का जो डिफेंस एक्सपो था तो उसने ही उनकी इस 155 mm आर्टिलरी गन की डील को हासिल करने में मदद करी है, क्योंकि इस साल ऐसा पहली बार हुआ था जब डिफेंस एक्सपो केवल इंडियन कंपनीज के लिए रखा गया था और जिसमें बड़ी संख्या में फॉरेन डेलीगेट्स आए थे और उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स को देखा और उसमें अपनी दिलचस्पी भी दिखाई। हालांकि कल्याणी ने अभी तक इस बात को रिवील नहीं किया कि उनके इस 155 mm आर्टिलरी गन का रियल कस्टमर कौन है, पर जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है वो कस्टमर आर्मेनिया है। बाकी इसके अलावा द हिंदू की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग शू लेक पर पेट्रोलिंग करने के लिए नए लैंडिंग डॉक्स और स्पीड बोट्स को डिप्लॉय किया है, जो यहाँ पे चीन की कैपेबिलिटी को काउंटर करने के लिए एक मिरर डिप्लॉयमेंट के तहत इंडक्ट की गई है। ये जो नई लैंडिंग क्राफ्ट है ये 35 ट्रूप्स को कैरी कर सकती है और जो स्पीड बोट्स हैं वो 35 नॉट्स तक की रफ्तार को हासिल कर सकती हैं। बाकी एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि पहली बार भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसे नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड को स्थापित करने की योजना बना रही है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU एजेंसीज, तो इनके द्वारा जनरेट होने वाले सारे डेटा को स्थानीय तौर पर ही स्टोर किया जाएगा और इसमें गवर्नमेंट का सेंसिटिव डेटा भी इंक्लूड रहेगा। और बाकी जाते जाते आपको एक नया जोक सुनाते हैं। तो हुआ यह कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए कि जिन टर्म्स पर भारत रशिया से ऑयल खरीदता है तो उन्हीं सिमिलर टर्म्स पर अब पाकिस्तान भी खरीदेगा और US पाकिस्तान को रशिया से ऑयल खरीदने से नहीं रोक सकता है। चलो अभी तो क्या कहें, जब पाकिस्तान रशिया से ऑयल खरीदेगा तब देखा जाएगा कि US की क्या प्रतिक्रिया है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2015 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कर्नल संतोष महादिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1962 में एक हैवी चाइनीज अटैक के खिलाफ असाधारण वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत वीरगति को प्राप्त हुए थे और मरणोपरांत इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आज के दिन 2008 में लेफ्टिनेंट अमित बेनीवाल ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का सवाल, नो मनी फॉर टेरर की पहली कॉन्फ्रेंस कब और कहां आयोजित हुई थी? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।